मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाले आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए उसके साथ में बने बेल आइकन को क्लिक करें। इससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। फ्रिज के अंदर कॉकरोचेस का घुस जाना एक बड़ी साधारण सी प्रॉब्लम है। हम फ्रिज की गैस्केट को कैसे साफ रख सकते हैं और इन कॉकरोचेस को फ्रिज के अंदर घुसने से कैसे रोक सकते हैं, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत आसान है। हम अगर इसको देखें तो कॉकरोच जो होते हैं वो गैस्केट के बाहर बैठे होते हैं और जब हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो ये घूम कर अंदर आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद करने से अंदर चले और ये ठंड के अंदर पनपते हैं। तो हम इनको अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो गैस्केट को साफ करने के लिए, जैसा फ्रीजर डोर में, हम सबसे पहले इसको एक कॉर्नर से बाहर निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि ये गैस्केट जो है पैनल के अंदर स्लॉट बने में फिट की होती है और इस तरह हम आसानी से इसको धीरे धीरे बाहर खींच कर निकाल सकते हैं। गैस्केट के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बहुत गंदगी इकट्ठा हो जाती है और यहीं कॉकरोच छुप के बैठे होते हैं। गैस्केट के अंदर मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट ख़राब ना हो इसके लिए हम इसको रेफ्रिजरेटर के साइड में लगा सकते हैं। गैस्केट को साफ करने के लिए स्कॉच ब्राइट के ऊपर डिश डिटर्जेंट जो होता है वो लगाकर इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। गैस्केट का मैग्नेट टूटे नहीं इसके लिए हम इसको फ्रिज के साइड में लगाकर आसानी से इसको साफ कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको हम स्कॉच ब्राइट से घिसकर इसके अंदर फंसी हुई गंदगी को निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको टैप वाटर से अपने वॉश बेसिन के ऊपर आप इसको धो सकते हैं। धोने के बाद इसके अंदर से सारी गंदगी निकल जाएगी और हम इसको पानी को अच्छे से ड्रेन करके इसको वापस फ्रिज के साइड में लगा लेंगे ताकि इसका गैस्केट जो है वो मैग्नेट जो है वो इसका सुरक्षित रहे। साफ कपड़े से हम इसको पोंछ लेंगे। अब जो पैनल के ऊपर जो स्लॉट बना है उसको हम साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लेंगे और अगर उसके अंदर गंदगी है तो उसको हम अगेन स्कॉच ब्राइट से गीला करके इसको हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद साफ कपड़े से इसको फिर से पोंछ लेंगे। अब ये जो क्लोव ऑयल यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये क्लोव ऑयल आपको किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा, लौंग का तेल जिसको हम बोलते हैं, और ये लौंग का तेल हम रुई पे लगाकर ये गैस्केट का जो स्लॉट बना है उसके अंदर लगा देंगे और गैस्केट को हम वापस जो है वो स्लॉट के ऊपर रख कर आसानी से धीरे धीरे दबाकर इसको फिट कर देंगे। ये जो क्लव ऑयल होता है ये कॉकरोच को आने से रोकता है, इसकी सुगंध से कॉकरोच जो होते हैं वो पास में नहीं आते, क्योंकि ये खाने वाला है इसलिए इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर का गैस्केट साफ करने के लिए एक किनारे से पकड़ के पहले हम उसको निकालेंगे और क्योंकि ये लंबा होता है इसको धीरे धीरे आसानी से हम नीचे तक निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको भी उसी तरह साफ कर लेंगे जिस तरह हमने अभी फ्रीजर डोर का गैस्केट साफ किया है। साफ करने के बाद इसको साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और इसको भी गैस्केट का मैग्नेट टूटे नहीं हम फ्रिज के साइड में लगा के छोड़ सकते हैं और पैनल को साफ करने के बाद यहां भी हम लौंग का तेल क्लोव ऑयल लगा देंगे, क्योंकि लौंग का तेल की सुगंध से कॉकरोच
नहीं आते हैं। वापस हम गैस्केट को स्लॉट में रखकर पहले ऊपर से लगाना शुरू करेंगे और इसी तरह हम इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रेस करते हुए चले जाएंगे और ये गैस्केट उसमें स्लॉट में फिट हो जाएगा। एक बार दरवाज़ा बंद करके खोल के दोबारा बंद करें जिससे कि गैस्केट अपनी जगह बना ले। तो इस तरह हम रेफ्रिजरेटर के गैस्केट को साफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये गैस्केट साफ करने का जो मैंने तरीका बताया है ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है, बहुत आसान है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। मैं फिर मिलूँगा आपको इसी तरह के नए वीडियोस के साथ।